नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येंदु मंडल मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं निफ्टी का डेली और वीकली और डेली ओवरव्यू मैं आप लोग को देने का कोशिश कर रहा हूँ। इसमें मैंने जो इंडिकेटर लगाया वो आप लोग देख सकते हैं। ये ट्रेंड नीचे दिखा रहा है, लेकिन ये देखिए, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट ये था वीकली चार्ट में, ये वीकली चार्ट में ये 38.2 से फिर से नीचे जाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन सपोर्ट लिया है और ये 38.2 का ऊपर सस्टेन करेगा तो ये ऊपर जा सकता है 10,892, उसके बाद 10,964 एंड 11,448। ये मैंने वीकली चार्ट डेली चार्ट में दिखाया और वीकली चार्ट में ये अप मूवमेंट में थोड़ा सा दिख रहा है। इसको हम लोग देखेंगे तो फर्स्ट फ्यू वीक्स का मैंने लेता हूँ तो ये भी सजेस्ट कर रहा है कि देखिए, ये 100 डे एक्सपोनेंशियल का मैं सपोर्ट लिया है और इधर से थोड़ा सा रिट्रेस किया है और 23 का ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। और हम लोग इधर ऑप्शन चेन में भी एनालिसिस करेंगे। ये देखिए, ये 29 अगस्त का मैंने देख रहा हूँ तो ये देखिए, इधर 10,900 में इसका रेजिस्टेंस है, सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इधर नेगेटिव दिखा रहा है और इसका जो प्राइस है, कॉल का प्राइस है तो ये बड़ा है, इंक्रीज किया है तो इसका मतलब इधर शॉर्ट कवरिंग हो रहा है। और इधर 10,800 में भी इसका लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है और इसके ऊपर ये 11,000 में भी सपोर्ट है और पुट साइड में देखिए, इसका इमीडिएट सपोर्ट 10,800 में है और 10,700 में इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और इधर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है और इसका प्राइस गिरा है तो इधर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। और हम लोग इधर PCR का रेशियो देखेंगे तो ये थोड़ा सा एक के थोड़ा सा नीचे है, लेकिन 0.75 के ऊपर है, ये होपफुली 1 के ऊपर जाएगा। और हम लोग इधर IV देखेंगे तो एट द मनी हम लोग IV भी देखेंगे तो देखिए, इधर 18.04 है और इधर 16.87 है तो इसका IV भी कॉल साइड में ज़्यादा दिखा रहा है तो इसमें ये जो वीकली एक्सपायरी है इसमें निफ्टी अप मूवमेंट दिखाने का पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और मैंने इधर मेरा लेवल दिखाता हूँ, इसमें सोच लीजिए मैंने ये जो 11,146 10,637 और इसका ये वीकली लेवल है, ये देखिए, ये 10,934 के ऊपर ये पॉजिटिव है और 10,807 के नीचे ये थोड़ा सा नेगेटिव आ सकता है। ये वीकली है लेकिन ये डेली का नहीं। और डेली का जो मैंने डाटा बसंग